गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, आप देख सकते हो जैसे कि। तो आज हम एक टूर पे निकलने वाले हैं जो वन ऑफ द फेवरेट मेरा टूर होने वाला है आई थिंक। सबसे पहले हम पहुंचे हैं वीपी चौक, अब यहां से हमारा सफ़र स्टार्ट है। सुबह का टाइम है और कोहरा काफ़ी लग रखा है, तो धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अभी। देख सकते हो गाइस लम्ही का स्टेडियम। गाइस यह है लम्ही का मार्केट। तो इस रेस्टोरेंट में हम लोग नाश्ता करेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए काफी ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे छोले, समोसे, अंडे। सो गाइस ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट है, तो स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा छोले समोसे ऑर्डर किए थे, उसके साथ चाय भी आती है। एक बार फिर से रिटेक ले लेते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो यार ये तो मैं सुबह भी कह चुका हूँ एक बार आपको, लेकिन अभी यहाँ पर रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने सोचा दोबारा आपको वेलकम कर लेते हैं। तो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उसका कारण यह है कि एक जगह हम लोग जाने वाले हैं पोखरा। तो जैसा कि आप लोगों ने भी नाम सुना है, नेपाल में वर्ल्ड फेमस एक जगह है पोखरा, तो वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं अभी। और नेपालगंज से पोखरा की दूरी 409 किलोमीटर के आसपास है, तो अभी हम लोग करीब करीब 130 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और हम सीधे पोखरा नहीं जाएंगे, अभी हम बीच में ही रुकेंगे एक दिन, जिसका नाम है चितवन। तो उस जगह पर हम लोग रुकेंगे, वो करीब करीब यहाँ से 370 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आधा सफ़र पूरा हो चुका है हमारा अभी और आधा बाकी है। तो अभी हम लोग रुके थे यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो गाइस अभी ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और मेरे साथ दो लोग और हैं, तो उनसे भी मैं अभी मिलवाऊँगा आप लोग को। खैर मेरे पिछले ब्लॉगों में भी वो मेरे साथ ही रहे हैं, तो दो नहीं एक्चुअली हम लोग 5 लोग हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कितने लोग के साथ हम लोग आए हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं वापस चितवन की तरफ। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए इंजॉय। सो गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है और हम 3 लोग जाने वाले हैं अभी, तो 3 नहीं बल्कि हम लोग 5 लोग हैं। ये देख सकते हो, एक हमारा है डमरू और ये ऊपर आपको दिख रही होगी एक हमारी बिल्ली क्यूटी, तो इसने बड़ा परेशान किया अभी थोड़ी देर पहले। 1 घंटे तक हम लोग इसे बस ढूंढते ही रहे और आ नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अब सीधे चितवन की तरफ। तो ये पूरा मार्केट जो है लम्ही का है, देख सकते हो।
गाइस रापती के पुल पे हम लोग पहुंच गए हैं। अभी सामने जो दिख रहा है आपको, ये रापती का पुल है। तो ये रापती नदी है गाइस, देख सकते हो। ठीक, ये बड़ी सी पहाड़ी के नीचे ही जाम लगा हुआ है यहाँ पर। सो गाइस, अभी टोल में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो ये पूरा टोल है, मार्केट है पूरी। तो रास्तों में भी काम चल रहा है सड़क बनाने का, तो इसलिए डाइवर्जन किया हुआ है इन्होंने यहाँ से। रास्ते में ही कृष्ण जी की बचपन की मूर्ति है, जिसमें कि उन्हें रस्सी से बांधा गया है। दोस्तों, अभी हम हैं डाउन नगर के एक जगह है, तो वहाँ पर हम लोग लंच करेंगे। और कसम से यार, पिछवाड़ा मेरा दर्द हो गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा रास्ता कैसा हो रहा था, क्योंकि अभी वहाँ पर ब्रिज वगैरह बन रहे हैं। तो अभी 6 लेन हो रही है रोड पूरी, हो तो रोड भी कट रही है बीच बीच में। तो भोटोल से यहाँ तक पहुँचने तक तो कसम से हालत ख़राब हो गई है। वहाँ से पहले फिर भी ठीक थी रोड। तो अभी बज रहे हैं 3, और यहाँ से चितवन जो है 70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी हम लोग करेंगे लंच, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। क्या खा रही भैया? ब्रेड ऑमलेट और चाय। हमारा चल रहा है अभी लंच, इसका चल रहा है ब्रेकफास्ट। तो गाइज, अभी हम चितवन में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें इससे आगे जाना है। तो ये गाड़ी पार्किंग करके आ रहे हैं भाई, और रास्ते में ये सीजी टेंपल पड़ता है एक, जो टूरिस्ट प्लेस है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर एक बार जाके देख लें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को। तो यार, जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं इस मंदिर में, तो सामने का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। सो गाइस, एंट्री यहां से है, और एंट्री के लिए वैक्सीनेशन कार्ड जरूरी है। सो गाइस, मास्क लगाना यहां पर ज़रूरी है, और ये टिकट मैंने लिया है तो ये लेके जाना ज़रूरी है सैनिटाइज़र करवा के, क्योंकि मैंने 2 बार वैक्सीन भी लगा चुका हूँ, तो इसलिए मेरे को अलाउड किया है, और वो दोनों को अलाउड नहीं किया है, इसलिए उन लोगों ने लगाया नहीं है अभी। तो ये आप देख सकते हो सीजी टेंपल, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, मैं दिखा दूँ आपको। ये आप देख सकते हो, रथ में सवार हैं श्री कृष्ण और अर्जुन। तो ये जो टेंपल है, वो यहाँ के चौधरी ग्रुप करके हैं, उन लोगों ने बनाया हुआ है नेपाल में ही। काफ़ी खूबसूरत है। तो ये आ गए हम बैक साइड गणेश जी के, और ये आप देख सकते हो। हल्की हल्की आवाज़ में भजन लगाया हुआ है, वहाँ पर श्री कृष्ण जी हैं।
बहुत ही खूबसूरत देख सकते हो। ओ एक चीज और दिखाता हूँ गाइस आप लोग को, ये देख सकते हो स्वास्तिक घासों से बनाया हुआ है डिजाइन, इतना प्यारा लग रहा है। तो एक कोने से स्टार्ट करते हैं गाइस, यह सीजी टेंपल, ये देख सकते हो आप। और ये नाग में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये आप देख सकते हो रासलीला करते हुए। ये राक्षस को मारते हुए तो इसी के जस्ट थोड़ा आगे चलेंगे तो बुद्ध भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पर, देख सकते हो आप। तो गाइस ये एक पिकनिक स्पॉट भी है जैसे कि आप देख सकते हैं, बैठने के लिए भी है और बैठ सकते हो आप आराम से। यहाँ पर टिकटॉक वगैरह भी बनाते हैं काफ़ी लोग, टिकटॉक का काफ़ी क्रेज़ है नेपाल में। इधर ये पूरे शॉप्स वगैरह हैं दुकानें, काफी बड़ा है ये आप देख सकते हो रेस्टोरेंट। यह है इसकी बैक साइड, हनुमान छत्र, तो इसी के साथ में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो श्री हरिहर बूढ़ा नीलकंठ करके है, ये आई थिंक शंख है, देख सकते हो आप लोग। और यहीं से लगते हुए ये है श्री नवग्रह, तो ये आप देख सकते हो बुद्ध भगवान, और काफ़ी सारे शिवलिंग हैं देख सकते हो। बहुत सारे शिवलिंग हैं इसमें भी यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर जूते चप्पल खोल के हम लोग को अंदर जाना है, तो अंदर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं से ही फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ।
अंदर जो है शिव जी भगवान की मूर्ति है। शायद अभी दिखेगा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ऐसे दर्शन कर लो। तो गाइस मंदिर के अंदर ही बहुत बड़ा शिवलिंग है और जस्ट हम जब एंटर करते हैं तो नंदी भगवान की मूर्ति भी है वहाँ पर। तो मैं जाके देख के आया अभी, तो वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाया। एक चीज़ तो आप लोगों को पता ही है कि मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, मीन्स कि मैं पूजा नहीं कर सकता, लेकिन मैं हाँ दर्शन कर सकता हूँ, अंदर जा सकता हूँ, पूजा नहीं कर सकता। अंदर के साइड में ही देख सकते हो धीरे धीरे लाइट जल रही है, शाम का टाइम हो चुका है और ये जो है मूर्तियाँ वगैरह हैं यहाँ पर घंटियाँ। तो मैडम कह रही है कि अंदर वीडियो मत बनाओ, सामान लो। मैंने बोला यूट्यूब में जाने होता है तो मान लिया। नेपाल का फ्लैग, ये कलाकृतियां आप देख सकते हो और ये पूरा जो है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये समुद्र मंथन का है, तो आपको दिखाता हूँ मैं मंदिर जब रात के टाइम में लाइट पर चलती है, तो ये देख सकते हो आप। पूरा जो है कलर बदलता है ये लाइटिंग, ये देख सकते हो आप भीड़ यहाँ पर। तो अभी टाइम है वापस चलने का गाइस, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। वो अभी अब टाइम है यहाँ से वापस जाने का, इट मीन्स कि एग्जिट करने का। मंदिर के बाहर लगने वाली मार्केट देख सकते हो, सारे खिलौने वगैरह हैं, सारे कुछ ऐसे। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और सीवी टेंपल से मैं आ चुका हूं और हम लोग निकल चुके हैं यहां से। तो अभी भी यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पे है जहां पर हमने बुकिंग करवाई हुई है रूम की, क्या नाम बोला, सुराहा करके एक जगह है। तो वहां पर अभी हमें करीब करीब एक घंटा लग जाएगा पहुँचते चितवन नेशनल पार्क। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, रोड बहुत खराब है। नारायणी नदी। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम लोग रूम पे, तो ये आप देख सकते हो हमारा रूम और बेड में कपड़े भी देख सकते हो आप। टूर काफी लंबा है तो कपड़े भी बहुत ज्यादा हैं। देख सकते हो फुल है। गाइस सुबह हम लोग निकले थे 6:30 बजे और अभी आप देख सकते हो 9:20 हो चुके हैं रात के। तो काफ़ी थकान हुई हम लोग को, क्योंकि रास्ता आप लोगों ने देखा ही कैसा था, तो थकान भी हो रही है और भूख भी लग रही है। तो ऑर्डर हम लोगों ने कर लिया है, बस खाना आते ही हम लोग सो जाएंगे अभी खा के। तो कल हम लोग एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, तो तब तक के लिए आप करते रहो इन्जॉय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।